जय श्याराम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। मेरे भाई बहन, आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कमिंग फरवरी 1 से 11 फरवरी 2022 में प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में एकादश दिनात्मक मतलब 11 दिवसीय श्री यंत्रात्मक श्री महालक्ष्मी यज्ञ करने का प्रेरणा हमारे अंदर भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से अपने राम जी के द्वारा प्रयत्न करके यज्ञ कराने का यह प्रथम अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि आप लोगों के सहयोग से संपन्न उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से 3-4 बार महाशिवरात्रि में अथवा श्रावण के दिनों में भगवान श्याम सदा शिव जी की सेवा हम लोगों ने आनंदनीय रूप में अपने चैनल के माध्यम से किया गया था। कई सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, उनका उत्तर मैं आगे दूंगा। जैसा कि तीर्थराज प्रयाग में ही क्यों श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ क्यों, गुरु जी ये यज्ञ आप क्यों करवाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्न मन में आ रहे होंगे, इसका उत्तर आगे दूंगा। पहले यज्ञ की जानकारी। तो यज्ञ जो है ये 11 दिवसीय श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ माघ शुक्ल पक्ष अमावस्या से लेकर के दसवीं पर्यंत रहेगा। अमावस्या को जल यात्रा प्रायश्चित इत्यादि का कार्य होगा और जो मुख्य यज्ञ है वो गुप्त नवरात्रि जो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है नवमी पर्यंत रहती है उसमें संपन्न होगा। दसवीं को बृहद भंडारा की व्यवस्था रखी गई है। मेरे भाई बहन, कितना अच्छा अवसर और स्थान भगवान की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा श्री रामचरितमानस में कहा गया है, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। जो अकथ है जिसका प्रभाव हम लोग कह नहीं सकते हैं, लौकिक ही नहीं पारलौकिक कल्याण करने वाले तीर्थराज हैं और दे सद्य फल तत्काल जो है जो व्यक्ति वहां सत्कर्म करता है उसको फल की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात ये भी है जो मेरे दादा गुरु जी रहे हैं पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री देवरावा बाबा जी महाराज, उनके जो प्रधान 3 शिष्यों में एक शिष्य पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वैकुंठ लीन स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, उनके आशीर्वाद से जो हमारे दादा गुरु जी के दूसरे शिष्य थे वृंदावन निवासी केसी घाट के निवासी भगवान दास जी महाराज, उनके यज्ञ में प्रयागराज में प्रथम बार मुझे आचार्यत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वैसे तो गुरुदेव की कृपा से अब तक लगभग 50 से अधिक यज्ञों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो चुका है समस्त गुरुजनों के साथ में, लेकिन आचार्य के रूप में 20 से अधिक ही यज्ञों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। तो जो प्रथम प्रश्न आ रहा था, गुरुजी आप यज्ञ क्यों करवाना चाहते हैं, तो भाई मेरे यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि ही नहीं पूरे संसार की सृष्टि होती है यज्ञ के प्रभाव से। देवता लोग ही नहीं दानव भी अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ ही करते हैं। हाँ, उनकी भावना अलग होती है, जैसे कि एक आर्मी वाला जो ट्रेनिंग लेता है वो देश को बचाने के लिए ट्रेनिंग लेता है, और जो दूसरे लोग होते हैं आतंकवादी लोग वो देश को बर्बाद करने के लिए उस तरह का ट्रेनिंग लेते हैं। तो यज्ञ सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। आपको जानकर के और भी प्रसन्नता होगी, ये जो 11 दिवसीय श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन हो रहा है इसमें जो विप्रगण रहेंगे वो अयोध्या जी काशी जी प्रयागराज चित्रकूट आदि से लेकर के नैमिषारण्य आदि से लेकर के पवित्र स्थानों और गुरुकुलों से बुलाए जाएंगे। उसमें भी वेद पाठी ब्राह्मण विशेष रूप से होंगे, उसमें भी जो ब्रह्मचर्य अवस्था में है कह सकते हैं कि 15 वर्ष से कम आयु के जो वो लगभग 40 की संख्या में रहेंगे, चारों वेदों के विद्वान रहेंगे। तो ये सब मिला जुला करके 51 ब्राह्मण का संकल्प मन में आया है, प्रभु कृपा से इससे अधिक भी हो सकते हैं, कम ना हो इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे।
जिसके कारण अपना यज्ञ कार्य आनंदनीय और उत्तमोत्तम रूप में शास्त्र के आदेशानुसार संपन्न हो सके। प्रश्न ये आया कि श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ ही क्यों? क्योंकि भैया महालक्ष्मी जी की कृपा से ऋण रोग दारिद्रम पापंच अपमृत्यव भय शोक मनस्ताप आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। किससे? महालक्ष्मी जी की आराधना से। तो क्या क्या आया? सबसे पहले कर्जा से मुक्ति, ऋण रोग से मुक्ति, दारिद्रता से मुक्ति, पापों से मुक्ति और भय से मुक्ति, शोक से मुक्ति। अब आपको चाहिए ही क्या? तो इन आवागमन से मुक्ति। तो माँ महालक्ष्मी ही हैं जो हर प्रकार की हमारी कामना को पूर्ण करके हमें निरोगी बना करके हर प्रकार से सुखी करती हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की आराधना करना हम सभी लोगों को बहुत आवश्यक है। और कोरोना काल होने के कारण तो और भी समस्या हर लोगों के जीवन में, धन की समस्या विशेष रूप से आ गई है। शास्त्रों में भी आया है सर्वे गुणा कांचन मा श्रियंती, माँ महालक्ष्मी जी में ही सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी कृपा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की आराधना करना, वो भी तीर्थ राज प्रयाग में, उसमें भी गुप्त नवरात्रि में। वैसे तो पूरा माघ महीना लोग हजारों वर्ष पहले से लेकर अब तक वहां कल्पवास करते हैं, एक महीना तीर्थ राज प्रयाग में निवास करते हैं, तो कम से कम उतना न सही तो जो गुप्त नवरात्रि 9 दिन का है और उसको पूर्ण रूप से संयुक्त करें तो उसमें अमावस्या का बड़ा महत्व है, जिसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो वहां से लेकर के 10वीं पर्यंत यज्ञ बहुत ही हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा। प्रश्न ये आया कि गुरुजी आप क्यों कराना चाहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, लगभग 50 से अधिक बड़े महायज्ञों में भाग लेने का अवसर प्रभु की कृपा से मेरे राम जी को प्राप्त हो चुका है। पर हर जगह क्या होता है, कहीं कमेटी हावी है, कहीं आचार्य जी जय जय सियाराम है, कहीं व्यवस्थापक लोग अच्छे नहीं है, कहीं सामग्री लाने वाले अच्छे लोग नहीं है, तो इस प्रकार की तमाम समस्याएं आती हैं, जहां चाह करके भी हम उत्तम सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आजकल विवाह के आयोजन में विवाह की विधि सबसे न्यून सबसे गौण होती है, बाकी दुनियादारियां बहुत कुछ हो गई हैं, कितने सारे रस्म पैदा हो गए हैं और जो विवाह की विधि है वो सिकुड़ती चली जा रही है। उसी प्रकार से यज्ञ में भी स्थितियां बदलती जा रही हैं, जो यज्ञ की विधि है वो सामान्य रूप कर दी जाती है, बाकी अन्य चीजें बहुत ज्यादा फैला दी जाती है। चूंकि हम पुरोहित हैं और उस विधा से जुड़े हुए हैं तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो धन की प्राप्ति के लिए सद्धर्म का सबसे उत्तम स्थान पर गुप्त नवरात्रि में, इसलिए हमने विचार किया कि चलो भैया महालक्ष्मी जी की कृपा मुझ समेत अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार के अथवा जो भी लोग इसमें सहयोग करें उनके ऊपर माँ कृपा बरसाएं। मेरे भाई बहन, अब आप लोगों की बारी है कि इसमें आपको क्या करना है। तो बहुत उत्तम रहेगा कि आप उस पीरियड में पूरा वहां रहें, यज्ञ में यजमान बने, अथवा आप भोजन के विशेषज्ञ हैं तो भोजन की व्यवस्था संभालें, बाहरी चीजों के विशेषज्ञ हैं बाहरी व्यवस्था संभालें, अथवा जो जिस प्रकार से सेवा कर सकते हैं उस प्रकार से वहां रहकर के सेवा करें। इसके बारे में और भी जानकारियां समय समय पर मैं आपको प्रदान करता रहूंगा, पर अभी से कमर कस लीजिए क्योंकि जो पूरा आयोजन है लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का है, तो इसमें उसी प्रकार से आपका योगदान होना चाहिए। और योगदान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने 500 हजार 200 ऐसा कुछ भेज दिया। मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम एक महीने की अपनी आमदनी आप यज्ञ को अर्पित करें। आपके पास जिम्मेदारियां बहुत है, उतना नहीं कर सकते हैं, तो एक हफ्ते की अपनी आमदनी इसमें अर्पित करें। उतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम आप अपने एक दिन की आमदनी जो आपको परिश्रम करके अथवा प्रयत्न करके मिलता है वो इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित करें।
इसके साथ में अपने और इष्ट मित्रों को जोड़ें, जिसके द्वारा हम लोग अच्छी तरह से ये आनंदनीय कार्य संपन्न कर सकें। अभी से आप लोग जागृत हो जाएं, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। इससे संबंधित जो जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने के लिए समय पूछ लीजिएगा। और ये आपका आयोजन है, सब लोग मिलकर के इसको सफल बनावें। इसी निवेदन के साथ विदा ले रहा हूँ। जय सियाराम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भो।